श्री राधा वल्लभ लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। पूज्य महाराज जी की अपार करुणा, अपार कृपा द्वारा ही ये चर्चा संभव है जो पूर्ण रूप से शास्त्रों और संतों के मत पर आधारित है। हम जो ये चर्चा कर रहे हैं उसका पूर्ण केंद्र बिंदु पूज्य महाराज जी के सत्संग है। अभी हम जो चर्चा कर रहे हैं और जो हमने चर्चा पिछली बार भी की थी, वो पूज्य उड़िया बाबा जो परम सिद्ध ब्रह्म बोध प्राप्त महान संत हुए हैं, उनके उनसे जो लोगों ने प्रश्न उत्तर किए हैं, अपनी जिज्ञासाएं रखी हैं उनके सामने, हमने उस विषय में चर्चा की कि कौन से प्रश्न साधकों ने उनसे किए और उनने कैसे स्वयं श्री उड़िया बाबा जी महाराज ने उन प्रश्नों के उत्तर उन सभी को दिए। तो आज हम आगे उसी चर्चा को बढ़ाएंगे जो हमारे लिए बहुत लाभदायी है, क्योंकि जब हम इस परमार्थ पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हम सभी के अंदर कई जिज्ञासाएं, कई प्रश्न उठते हैं, और हमारी इन जिज्ञासाओं का शांत होना, इनको सही उत्तर मिलना, और हमारा ये कितना अहो भाग्य है कि हमें ऐसा उत्तर उन परम ब्रह्म मूर्ति, साक्षात ब्रह्म स्वरूप श्री उड़िया बाबा जी महाराज के द्वारा उनके श्रीमुख से मिल रहा है। तो यह हमारा बहुत बहुत सौभाग्य है, और इसी सौभाग्य को आगे बढ़ाते हुए हम इस चर्चा को करते हैं। इस चर्चा को हिंदी में करने के बाद, हिंदी पे इस पे चर्चा करने के बाद, हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी भाषा से अनभिज्ञ हैं। श्री राधे, अब हम उन साधकों के प्रश्न रखते हैं जो साधकों ने उड़िया बाबा जी से रखे। साधक कहते हैं कि बाबा, राग द्वेष किसे कहते हैं? तो फिर बाबा उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि जिस समय मनुष्य नीति को भूल जाए, उसे सदाचार के नियमों का कोई भी ध्यान ना रहे, तब समझना चाहिए कि वो राग द्वेष के अधीन हो गया है। और राग द्वेष का मूल क्या है? राग द्वेष का मूल है अहंकार, और अहंकार के आश्रित होती है ममता, और परतत्व की भावनाएं उसमें रहती हैं। तो ममता को समझना चाहिए राग, और परतत्व को रहना मानना चाहिए द्वेष। तो ये है राग द्वेष का सही मतलब। फिर साधक उड़िया बाबा जी महाराज से पूछते हैं कि बाबा, हम अपने समय को किस प्रकार बिताएं, हमें समय को किस प्रकार बिताना चाहिए? तो बाबा कहते हैं कि सबके लिए एक ही नियम लागू नहीं होता। अब मानिए कि आप गुरु के पास रहते हैं, गुरु की सेवा में हैं, गुरु के भक्त हैं, और अपना पूर्ण जीवन आपने गुरु सेवा में ही समर्पित कर दिया है, तो अब आपकी दिनचर्या कैसी होगी? फिर आपको अधिक से अधिक समय गुरु की सेवा में ही समर्पित करना चाहिए। आपको अलग से भजन करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूर्ण चित्तवृत्ति अपने गुरु सेवा में लगानी चाहिए। और मानिए कि आप गुरु के समीप नहीं रहते, तो आप फिर क्या करेंगे? आप अधिक से अधिक जो गुरुदेव ने आपको मंत्र, आपको उपासना दी है, आपको वो करना चाहिए। आश्रय आपको अपने सद्गुरुदेव का ही रखना है, पर यदि प्रकट में आप उनके एकदम नज़दीक नहीं हैं, तो उस समय आपको उनकी दी गई हुई मंत्र, उनकी दी गई हुई उपासना को प्राणपन से, जो जो एक एक शब्द उनने आपसे कहे हैं, उसको आपको निभाना चाहिए, और यही आपका वास्तविक भजन है। यदि गुरु सेवा ना कराते हो, तो फिर आपको क्या करना है? आपको अपना अधिक से अधिक समय भजन में ही देना है, वही आपके लिए हितकारी रहेगा। और यदि वे सेवा नहीं स्वीकार करते हैं, तो फिर इधर उधर आप समय व्यर्थ ना करिए, फिर आप भजन में, नाम जप में ही अपने मन को लगाएं। और उत्तम बात तो यह है कि गुरु की सेवा करते हुए भी यदि आप गुरु का ही चिंतन करें, नाम जप करें, भगवत चिंतन करें, तो आप देखेंगे कि बहुत जल्दी आपकी परमार्थ पे प्रगति हो रही है। तो यही उत्तर पूज्य उड़िया बाबा जी ने, महाराज जी ने उन साधकों को दिया है। आगे कुछ साधक प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, भजन में जो निद्रा आती है, उसको हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
निद्रा एक ऐसा दोष है जो हम सभी जिससे जूझते रहते हैं, लड़ते रहते हैं। हम सभी के आगे ये दोष उत्पन्न हो जाता है, सामने खड़ा रहता है और समझ में ही नहीं आता कि हमें इसे कैसे हटाएं। तो पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज के बहुत सुंदर वचन है, वो कहते हैं, यदि आपको निद्रा रूपी दोष सताए तो क्या करें, जोर जोर से कीर्तन करने लगे। यदि आप ऐसी जगह, ऐसे स्थान पे रहते हैं जहाँ और कोई ना हो तो आप कीर्तन कर सकते हैं, तो उससे आप देखेंगे कि जो वृत्ति आपकी तमोगुण से युक्त होकर निद्रा से युक्त हो रही है, वो उसमें चेतना आ जाएगी और आप फिर से आपका भजन में मन लगने लगेगा। और ऐसा ना हो पाए तो फिर आप तुरंत खड़े हो जाइए, खड़े होकर जप करने लगिए। खड़े होकर जप करने से क्या होगा, आपके अंदर एक स्फूर्ति आएगी, एक चेतना बढ़ेगी, आपका जो शरीर शिथिल हो रहा था उसमें लगेगा कि हिलन डुलन से वो फिर से उस भजन पर एकाग्र हो पाएगा। और आप ये समझिए कि ये एक बहुत बड़ा दुश्मन है, हमें इस दुश्मन से कैसे भी करके लड़ना है। और यदि आप कीर्तन नहीं कर पाते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, जो आचार्यों भक्तों के द्वारा पद की रचना की गई है उन पदों का आप गायन कर सकते हैं। उस समय आपको लगता है कि मैं नाम जप नहीं कर पा रहा हूँ, नाम में एकाग्रता करने पर मुझे निद्रा आ रही है, तो ऐसे में आप आचार्यों के पदों का गायन भी कर सकते हैं। और आप चाहें तो मुंह पे कुछ पानी के छींटे मार लीजिए। बहुत सारे उपाय हैं, आप अपने आहार पे ध्यान दीजिए, आप अल्प आहार कीजिए, एकदम ही ऐसा अनुचित बहुत सारा भोजन ना पाइए ताकि जिसे पाने के बाद आप में प्रमाद की उत्पत्ति हो और फिर आपके अंदर आलस्य आ जाए। तो ये सब बातें यदि हम ध्यान करें तो हम इस निद्रा रूपी दोष से लड़ सकते हैं। तो ये है पूज्य उड़िया बाबा जी के वचन। आगे साधक पूछते हैं कि बाबा महाराज जी, बुरे कामों में जो मन जाता है उसे हम कैसे रोकें? तो फिर बाबा महाराज कहते हैं कि उन कामों से आप सबसे पहले घृणा करो। जहाँ जहाँ आपका मन जाता है, जिन विषयों में वो फंस जाता है, आप उनकी तरफ देखो कि कितने गंदे हैं, इसका कैसा दुष्परिणाम हो सकता है। आप उन परिणामों में दोष दृष्टि कीजिए, उसको मिथ्या देखिए, तो देखेंगे, क्योंकि ये जो संसार का स्वरूप है वो वास्तविक असत स्वरूप है। तो ऐसे में यदि आप बार बार अपने मन को ये सच्चाई दिखाओगे तो वो मान जाएगा, और फिर उस विषय के प्रति, जहाँ उन गंदी क्रियाओं के प्रति जहाँ आपका मन आकर्षित होता है, वो धीरे धीरे उस आकर्षण में कमी आने लगेगी और आप एक दिन देखेंगे कि आपका मन पूर्ण रूप से निर्विकार हो गया है और वो अपने आराध्य देव, अपने प्रभु में लग गया है। इसके बाद साधक प्रश्न करते हैं कि बाबा महाराज, शरीर, वाणी, धन और अंतःकरण किस प्रकार शुद्ध होते हैं? तो फिर बाबा कहते हैं कि झूठ, हिंसा, व्यभिचार के त्याग से शरीर शुद्ध होता है, भगवान नाम जप से वाणी शुद्ध होती है, दान से धन शुद्ध होता है, धारणा और ध्यान से अंतःकरण शुद्ध होता है। इसके बाद फिर साधक प्रश्न करते हैं कि बाबा, राग द्वेष कैसे दूर किया जाए? तो बाबा महाराज कहते हैं कि सबसे पहले तो आप शुभ कर्म जो होते हैं उनका आचरण कीजिए और अशुभ कर्म का पूर्ण रूप से त्याग करिए। त्याग द्वारा आप देखेंगे कि आपका अंतःकरण शुद्ध हो रहा है और आपका जो मन है वो ईश्वर की उपासना का अधिकारी होता जा रहा है। फिर उपासना परिपक्व होने पर आपका भगवान से जब मिलन होगा, आपको उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद कहीं दूर दूर तक भी राग द्वेष की कोई भी स्फुरण ही नहीं होगा आपके हृदय में, कहीं भी क्लेश मात्र भी वो बचेंगे ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं बचेगा और ईश्वर, जीव तथा जगत का पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। फिर साधक पूछते हैं, बाबा, राग द्वेष का स्वरूप क्या है, ये कैसे पैदा होते हैं, इनकी निवृत्ति कैसे होती है, इनके रहने से मनुष्य की क्या गति होती है? तो बाबा महाराज कहते हैं, यदि किसी चीज में चित्त ऐसा फंस जाए कि कैसा ही अपमान, निरादर या दुख होने पर भी ना हटे, तो इसे हम राग कहते हैं। जब किसी चीज से चित्त ऐसा हट जाए कि उसमें दोष ही दोष दिखाई दे, गुण मालूम ही ना हो और आप देखें कि यही उसमें दोष है, तो आप समझ जाओ कि ये द्वेष का स्वरूप है। राग द्वेष की उत्पत्ति गुण दोष या स्तुति निंदा के चिंतन से होती है और राग द्वेष ही संसार
के कारण है, क्योंकि इनके विषयों का निरंतर चिंतन रहता है, इसलिए वह हर समय सामने ही खड़े रहते हैं। जो पूर्ण ज्ञानी या जो पूर्ण भक्त होता है, उसमें राग द्वेष का लेश मात्र भी नहीं होता, और ऐसे महापुरुष का ध्यान करने से राग द्वेष बहुत दूर भाग जाते हैं। इसके सिवा किसी की निंदा स्तुति ना करने की प्रतिज्ञा ले लें। ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को बिल्कुल गांठ बांध लें कि हमें कैसे भी किसी प्रकार से भी हमें किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के दोषों को नहीं देखना, किसी की स्तुति नहीं करनी। हमें ये बार बार अभ्यास डालना है कि हम सर्वत्र भगवत दर्शन करें और अपने प्रभु को ही हर रूप में देखें। तो आप देखेंगे कि इन सब से क्या होगा, इन दोषों से आपके मन है वो निवृत्त हो जाएगा, और राग द्वेष ना रहने से चित्त में एक अलौकिक प्रसन्नता छाई रहेगी, और आप देखेंगे कि आपके चित्त में सतोगुण की प्रधानता होगी, और धीरे से ऐसा सतोगुण आपको देहातीत अवस्था में ले जाएगा जो आपको अपने प्रीतम, अपने आराध्य देव, अपने प्रभु से मिला देगा। तो ये थे कुछ बहुत ही ज़रूरी प्रश्नोत्तर जो कुछ साधकों ने पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज से किए, और बहुत ही सुंदर ढंग से, बहुत ही सरल ढंग से उड़िया बाबा ने उनको समझाया। और यदि हम इन्हें अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम देखेंगे कि हम बहुत आसानी से परमार्थ की चढ़ाई पर चढ़ते चले जा रहे हैं। अब हम इस चर्चा को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे उन सभी लोगों के लिए जो हिंदी भाषा से अनभिज्ञ हैं। नाउ वील बी डिस्कसिंग अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एज वी हैव बीन ऑलरेडी बीन डिस्कसिंग द ग्रेट क्वेश्चन एंड आंसर्स दैट हैव बीन पुट इन फ्रंट ऑफ अ वेरी ग्रेट सेंट पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज। ऑल द साधकाज, ऑल द सीकर्स, ऑल द डिवोटीज हैव रेज देयर क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ हिम एंड वेरी ब्यूटिफुली पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज हैज एक्सप्लेन दोज। सो वील बी कंटिन्यूइंग दैट डिस्कशन ऑन द क्वेश्चन एंड आंसर्स दैट हैव बीन डिस्कस्ड बिटवीन पूज्य श्री उड़िया बाबा जी महाराज एंड सेवरल डिवोटीज। नाउ मूविंग अहेड विद दैट डिस्कशन, the devotees are asking Pujya Uriya Babaji Maharaj, they are questioning him that Babaji Maharaj ji, what is the real meaning of attachment or the sentiments of grudges or the hatred that we acquire in our mind? So what is the true meaning of attachment and grudges and those sentiments of hatred? So he is explaining that when a person forgets what is right or wrong and he sways from the path of righteousness, then understand that he has been trapped in these sentiments of attachments and grudges, hatredness, and the root cause of all these grudges is the ego. So this affection depends on the ego, and the feelings of elevation, they all sustain in our hearts. So this is the real meaning of the attachment. So he's explaining that attachment is the root cause of affection, and the feelings of being elevated is the root cause of grudges. So this is how he has very beautifully explained the actual meaning of attachment and the feelings of hatredness that we have for people. Then further devotees ask him that how should we spend our time, because we have 24 hours in day and we don't actually know that how we should be spending or how we should be dividing those hours judiciously so that we could further move ahead on this path of spiritual journey. So Uriya Babaji Maharaj is saying that if you are involved in the service of your guru, then spend maximum time in his service. The only thing that you need to concentrate, that you need to serve selflessly your guru, because if you are involved in anything else, that won't help. Because what we need to do, actually we need to focus our mind, we need to train our mind, and when we have got the service of our Sadguru, then what else we can be doing? This is the best thing that we need to do. So what we need to do is to serve him, and we don't have to think about anything else. We don't have to think about any materialistic thing. The only thing, only
sentiment that we should be having in our mind is to selflessly serve him. And secondly, he's saying that if you are away from him and you are not, you're not being given any of the services of the Sadguru, then what you need to do? Then taking the shelter of his lotus feet, and whatever guidance he has given you, you have to judiciously follow them. You need to do a great bhajan. And what is the form of that bhajan? You need to constantly remember your whichever form of Lord you like, or you can even concentrate on the form of Sadguru. Actually, what you need to do is to continuously remember and focus on either the form of Sadguru or your Aradya Dev, your Priya Pritam, or whichever form of Lord you like, and continuously create this habit of chanting the holy name of the Lord. And he is saying that, he is mentioning that if your guru, although you are staying with him or you are very near to him, and if he is not asking you to do any of the services of him, then you need to focus on the bhajan. You need to follow the all the practices, all the principles that the Sadguru has guided you and he has asked you to do. So this would be the best form of service that you will be offering to your Sadguru. So this is very, very important. And for this, there is no one rule. We can't be saying that, okay, this is a defined principle for everybody to spend their time. No. It depends on your situation. Where are you? Where? What is your actual situation? With whom you are living? What is your daily routine? So this answer may vary for different people. Then the next question that the devotees have asked Pooja Sri Uriya Baba, they are asking that if you feel sleepy, then what you should be doing? Because this sleep is one great enemy that is disturbing us and we need to fight back. So he's saying that if you feel sleepy while you're doing bhajan or you're trying to concentrate on your on the form of Lord, then what you need to do that start the kirtan with a very greater volume. Or what you can do, you can stand while chanting. The only thing you need to focus that you need to fight back this enemy very, very hard. And what thing, there are some things that you can also keep in your mind are you should eat less. You should take food in moderate amount, because the more you eat, the more sleepy you feel. And what you can do, you can sing the various verses, the padas that have been created by the acharyas. And what will happen if you'll start singing those verses, then after some time you will feel that you've got some energy, and that feeling of sleepiness, not feeling that comfortable, and again you were feeling very drowsy, that all those feelings, all those emotions, all those things would just fade away. So what you need to do, you can either sing kirtan, either you can sing verses, and what you can do, you can even put some water on your face. So all these things would help in reducing that feeling of sleepiness that is acquiring you and that is stopping you from do greater bhajan. So these are some of the points that Pooja Sri Uriya Babaji Maharaj has mentioned. Then the people are asking that when our mind gets attracted to bad activities or some evil deeds, how should we stop it? So he's saying that just see those activities with utmost hatredness. Just look the actual form of those activities. See the result. What turmoil these activities can bring, and try to see the various faults in them. Once you start looking all the faults in them, all the various disastrous effects they can bring, and what all turmoil they'll bring, then automatically you'll start to realize that, oh, these activities, these great evil deeds are not at all beneficial for me, and I should be leaving them. Your mind will gradually accept the reality behind all these activities. So this is how you can tame your mind, you can control your mind in when it is getting attracted to all those, and it is actually getting great enthusiasm, and it is provoking you to get involved in all those bad activities or evil deeds. Then further, Uriya Babaji Maharaj is explaining the questions that have been
asked by the devotees, and the devotees are asking that, Uriya Babaji Maharaj, how can we purify our body, wealth and soul? Then he's saying that you can do this by always speak the truth, never say lie, avoid physical assault and harm to anyone, or completely avoid mixing and having relations with multiple people. This will purify your body. And we can purify our tongue by chanting the holy name. You can purify your wealth through donation. And we can purify our mind by doing meditation. And what is the form of the meditation? The form of actual meditation is to just focus your mind on the form of the Lord, or you just need to concentrate on the name, the holy name of the Lord, because we have not seen the form of the Lord yet. So it's very, very easy if we concentrate on the holy name and just see the letters of the holy name that have been given to us by our Sadguru. So this is the best form of meditation that we can do. Then further, people have asked, the devotees have asked Pooja Uriya Babaji, they are asking that, how do we overcome our attachment, our bitterness and feelings of hatredness? Then Uriya Babaji Maharaj is explaining that we must first begin by reducing activities of worldly nature which are impure and guided by desires. Then we must increase our spiritual activities. By foregoing material and impure activities, our souls get purified and we become eligible to worship God. Once we embark on this path of devotion and realize God, we are filled with true knowledge. All the attachments, hatred would no longer exist. So this is a very, very beautiful answer that Pooja Uriya Babaji Maharaj has given to the devotees, the seekers that have queries in their mind. Then further, the devotees are asking him that, Baba Maharaj, what is the true nature of material bondage and attachment? How does it develop? How can we free ourselves from this bondage? What becomes of us if this attachment remains? Then he's saying that, the answer to the first question, when our mind becomes so dependent on something or someone that despite being insulted or disrespected, we cannot stop thinking about that person, that is called rag or deep attachment. When we see only faults in someone and simply fail to see any good virtue in him or her or that thing, then it is called dvesh, as the Kans had for Shri Krishna. So both intense like or intense dislike are born out of the sense of good and bad. If we constantly engage in thinking of virtues or vices and constantly praise or criticize, we'll develop rag or dvesh, that is the feeling of attachment, or those virtues of hatredness. And only a realized soul or a pure devotee is totally free from all these form of rag and dvesh. And if we engage in remembering such realized Mahatma, the great saints or the devotees, we too can overcome our attachment and dislikes. We must also take pledge not to find faults in others and do not engage in praising or criticizing. Once we overcome this attachment, strong likes or dislikes, we'll feel much lighter and we'll get that transcendental bliss, and we'll feel that our heart has been cleansed from all these bad virtues. And you'll see that your mind is now situated and in Satogun. And after some time, you'll see that you are further elevated and you'll reach that state of that eternal bliss where you'll find that your Lord is embracing you. So this is how very beautifully Uriya Babaji Maharaj has explained the answers of various questions that have been put in front of him by various devotees, various spiritual seekers. And if we try to imbibe the few points that he has mentioned, then you will see that you are progressing on a greater pace on the spiritual journey.